नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसके रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स निकल गए हैं और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पॉइंट्स आपके सामने है, सबसे पहला है कि इसका एग्जाम कब तक होगा, दूसरा है कि मेडिकल और जो डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है वो किन किन पोस्ट का होगा, तीसरा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, सेंट्रल का या फिर स्टेट का, अगला पॉइंट है कि किस पोस्ट में टाइपिंग है और किस में नहीं है, ये भी आपका डाउट निकल के आया था। बहुत लोगों का ये डाउट था कि किन किन पोस्ट में टाइपिंग है और किन में नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा और किन किन पोस्ट पर होगा। अगला पॉइंट कि किन पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा, यानी कि किन पोस्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कि एग्ज़ाम कब तक होगा, जो इन्होंने टेंटेटिवली जो डेट दी है वो है जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेके सितंबर के बीच में आपके कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, यानी कि छठे महीने से लेके नौवें महीने के बीच में आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी जून के हिसाब से रखनी है। देखिए भले ही इसका एग्ज़ाम जून में हो या ना हो उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इन्होंने डेट दे दी है अप्रॉक्सीमेटली हमें तैयारी जो है उस हिसाब से करनी होगी। तो अभी आपका चल रहा है मार्च, फिर आएगा अप्रैल और फिर मई, यानी कि लगभग आपके पास ऐसा मान सकते हैं कि तीन महीने तो कम से कम आपके पास है ही है, तो तैयारी आपको उस हिसाब से रखनी है। अगला हमारा पॉइंट है कि मेडिकल और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किन किन पोस्ट का होगा। जितनी भी आपकी एनटीपीसी की पोस्ट है टोटल आपकी 13 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है, तो 13 पोस्ट पर मेडिकल होगा और 13 ही पोस्ट का आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है कि उसका मेडिकल या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, 13 की 13 पोस्ट का मेडिकल भी होगा और डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। ठीक है, ये डाउट यहाँ पे क्लियर कर लेना। कास्ट सर्टिफिकेट का जो डाउट है कि सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल की आपकी वैकेंसी है तो सेंट्रल का लगेगा, कईयों का बना हुआ हो सकता है और कईयों का नहीं भी है। कैसे बनवाना है और ये जो सेंट्रल का जो परफॉर्मा है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का, ये आपको कहाँ मिलेगा, जो आपकी विज्ञप्ति आई है ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसी के अंदर आपको ये इसका परफॉर्मा मिल जाएगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का, चाहे आप एस सी एस टी है, चाहे ओबीसी है, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड है। कोई भी अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है और भी कोई काफ़ी उसमें सर्टिफिकेट है, आप जब उस विज्ञप्ति में नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पर सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे, उसी परफॉर्मा के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। और दोस्तों आपके काफ़ी डाउट्स ये भी निकल के आए थे कि 12th में 50% ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, किन को ज़रूरी है, या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारे डाउट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर दिए हैं। एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है रेलवे एनटीपीसी नाम से, आप मेरे चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलो, उसमें रेलवे एनटीपीसी वाला जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करो, उसके अंदर सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिंक भी दे दूँगा उस प्लेलिस्ट का, और एक एक वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाओ, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि किस पोस्ट में टाइपिंग है और किस में नहीं। अभी जो तीनों आपके लास्ट के हैं ना कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किस में होगा, किस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये तीनों एक साथ आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि किस पोस्ट में टाइपिंग है। टोटल आपकी 6 ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी, देख लो कौन कौन सी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, फिर आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। ये टोटल आपकी 6 वैकेंसी है जिसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी। इनमें से ऊपर वाली जो 3 पोस्ट है जिनको येलो कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अगर सिर्फ 12th पास हो तो नीचे वाली 3 पर अप्लाई कर लेना। ठीक है, नीचे वाली जो तीनों है वो 12th लेवल की आपकी पोस्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई कि इन 6 पोस्ट के अंदर आपकी टाइपिंग मांगी गई है, तो ध्यान से देख लेना इनको। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आया था कि सर टाइपिंग किस में मांगी गई है और किस में नहीं मांगी गई है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे समझा दिया है। अगला कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किन किन पोस्ट में होगा और कैसा होगा, ये भी आपका डाउट था तो डिटेल में समझा देता हूँ। सिर्फ 2 ही ऐसी पोस्ट है जिनके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये भी आपका स्किल टेस्ट ही है, इनके अंदर आपकी टाइपिंग नहीं होती है, टाइपिंग की जगह आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा जाता है CBT 2 के बाद। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक डाउट आपका ये भी आ जाता है कई बार, CBT 1 और CBT 2 हर एक पोस्ट के लिए होगा, ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं है जिसके अंदर खाली एक ही CBT हो। CBT 1 और CBT 2 आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रोसेस आता है स्किल टेस्ट का।
स्किल टेस्ट मतलब या तो टाइपिंग होगी या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो टाइपिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया है, स्किल टेस्ट में 6 पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग मांगी गई है और 2 पोस्ट के लिए आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा गया है, ठीक है, ये 2 पोस्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है। देखिए बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपकी मेमोरी बेस्ड एक एग्ज़ाम होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में होगा। उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 42 होते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। कंप्यूटर पे आपको कोई भी एक पिक्चर दिखा दी जाएगी और कुछ सेकंड के बाद वो पिक्चर हट जाती है, फिर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, 4 से 5 आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो वो पिक्चर को देख के मेमोराइज़ करके आपको आंसर देना पड़ता है। इस हिसाब से ये ऐसा कह सकते हैं कि रीजनिंग टाइप का आपको आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि रीजनिंग में भी आपके पिक्चर्स वगैरह आती है, उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके मार्क्स जुड़ते हैं ध्यान रखना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 30% मार्क्स इसके जुड़ेंगे और 70% मार्क्स आपके CBT 2 के जुड़ेंगे, फिर इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 100% की, ठीक है। 70% आपके CBT 2 के और 30% आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के। टाइपिंग जिनमें भी है, टाइपिंग के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइपिंग टेस्ट करने के लिए होता है, मतलब उसके मार्क्स आपके यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग वाले में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, टाइपिंग में आपको बता देता हूँ कितने वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग के अंदर। आपको कोई भी एक टाइपिंग चूज़ करनी है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, दोनों में नहीं देना है, कोई भी एक चूज़ करनी है। और हिंदी का जो फॉन्ट है जिसमें 25 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए हैं, इसका फॉन्ट या तो कृतिदेव होगा या फिर मंगल फॉन्ट होगा, इनमें से एक होने वाला है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, देखिए कितनी हो गई है, 6 पोस्ट यहाँ से और 2 पोस्ट यहाँ से, टोटल 8 पोस्ट में आपकी स्किल टेस्ट होगी। और 5 ऐसी पोस्ट है जिनके अंदर आपके स्किल टेस्ट नहीं होगा, मतलब इन पोस्ट के अंदर ना तो आपकी टाइपिंग होने वाली है ना ही आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मतलब कि इसके अंदर CBT 1 और CBT 2 तो होगा, उसके बाद आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, ना तो टाइपिंग होगी ना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा। तो ये कौन कौन सी पोस्ट है ये भी देख लेते हैं। ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटाइज। तो इन 5 पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। ऊपर वाली जो दोनों पोस्ट है ये आपकी 12th लेवल की पोस्ट है और नीचे वाली जो तीनों पोस्ट है ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ठीक है। जो एलिजिबल हो वही ये पोस्ट बनना। तो इनमें आपकी टाइपिंग वगैरह नहीं है, तो जिनको टाइपिंग वगैरह में दिक्कत आती है या टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये वाली पोस्ट आपके बेस्ट है। 12th वाले के लिए ये दोनों, सिर्फ 12th जिन्होंने की है उनके लिए तो ये दोनों, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो तो खैर सारी भर सकते हैं, एक से ज़्यादा यहाँ पे आराम से भर सकते हो। तो वैसे बेसिकली ग्रेजुएशन की ये तीनों हैं और ये दोनों ऊपर वाली 12th की है। तो ये पूरा का पूरा आपका आज का वीडियो हो गया, मैंने आपको एक ही चीज़ आप पे डिटेल में समझा दी है। आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी और वीडियो की नीड हो तो वो भी आप कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।